नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। इस बार एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निजीकरण पर ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि भारत सरकार मोदी मित्र केंद्रित है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन की योजना गरीबों की मदद नहीं करेगी। अगर कोई योजना गरीब जनता की मदद कर सकती है तो वो है न्याय। आपको बता दें कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से घाटे में चल रहे सरकारी संस्थानों को लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी के तहत रेलवे ने कई ऐसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया जिसका पूरा जिम्मा प्राइवेट कंपनियों के पास है। इसके अलावा एयर इंडिया समेत कई संस्थानों के निजीकरण की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट में पूछा था कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि वो है गुप्त मंत्रालय, जो झूठ और खोखले नारे तैयार करता है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कभी कोरोना संकट तो कभी वैक्सीन संकट तो कभी बेरोजगारी, कई मुद्दे पर राहुल गांधी ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी की ओर से भी आता है। ऐसे में देखना होगा कि सोमवार को किए गए ट्वीट पर बीजेपी क्या जवाब देती है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।